ग्राम सिया में हाईवे के पास बीती रात बीएनपी थाना पुलिस ने ट्रक से कटिंग करते हुए एक आरोपी रवि झाझा निवासी टोंग कला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सूरत से एक ट्रक काठमांडू के लिए धागा लेकर जा रहा था, तभी सिया के पास तीन आरोपी चोरी की नियत से ट्रक के पीछे लग गए और एक आरोपी ट्रक पर चढ़ गया और दो मोटरसाइकिल से पीछे चल रहे थे। तभी पुलिस ने उनको देखा और उनका पीछा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दो बाइक से आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी रवि खिलाफ पहले से कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आप कंजर गिरोह के आरोपी हैं। सर हम गाजीपुर यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। ट्रक चलाते हैं ट्रक। ये बताइए आप ट्रक में कहां से माल लोड करा था, क्या माल था और कहां जा रहे थे और क्या घटना घटी? सूरत में सर किम पड़ता है, किम से मैं धागा लोड किया काठमांडू का, काठमांडू नेपाल का, और मैं जा रहा था इंदौर पार कर दिया। देवास जैसे मैं पार किया, दो तीन किलोमीटर आगे गया ग्वालियर वाले रोड पे, वैसे बदमाश ने चढ़ गया। ये लोग तीन लोग थे और ये लोग दो बाइक से लगा के चल रहे थे पीछे पीछे कि हमको दिखाई न दे, और पीछे से एक बदमाश ने रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ गया और रस्सी और तिरपाल काट दिया, और जो दो बंदे थे उनको मेरा एक तिरपाल जो आगे रखा हुआ था वो तिरपाल वो चोर को दे दिया, जो जो दो चोर चल रहे थे उसके पीछे पीछे। और जैसे एक ऊपर चढ़ गया, उसने मौके पे प्रशासन ने पीछे से देख लिया, और देखने के बाद प्रशासन ने मेरा गाड़ी आगे ला के लगाया, बोला गाड़ी रोक और तेरे ऊपर बदमाश चढ़े हुए हैं, तेरे को दिखता नहीं है। मैं उतने पे ब्रेक मैंने मारा और प्रशासन ने इतनी सख्त कार्रवाई की कि तुरंत छलांग लगा के इनके तुरंत दपोच लिया। जैसे मैंने ब्रेक मारा वैसे ने यहाँ देवास बाईपास की प्रशासन ने इनको हिसाब से देना चाहिए। ये है 11:20 की घटना। 11 बजे ये लोग चढ़ गए थे, 20 मिनट में मतलब 10 मिनट तक तो गाड़ी पर रहे, उतने में हमको प्रशासन ने पीछे से आई और मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी कहानी, तुम्हारे गाड़ी पे चढ़ गए हैं चोर, आपको नहीं दिखाया था। उतने पे मैंने साहब को वर्दी दे के तुरंत गाड़ी मैंने हमारी गाड़ी की स्पीड थी 40 से 45, उससे चढ़े। हाँ उस पर चढ़े हैं सर। अच्छा ये बताइए आपकी कितने लागत का माल होगा अंदाजा? सर 20 लाख के माल है, धागा है, वजन है 19 टन, कुछ किलो माल है 19 टन, 300 किलो माल अभी है। अभी कुछ चोरी हुआ उसमें से? 20 लाख नहीं सर, तिरपाल चोरी हो गई है, एक तिरपाल है और उसको तो लेके चले गए चोर, एक जो वजन वाली तिरपाल थी उसको नहीं उठा पाया, जो एक और उसके मीडियम में थी वो फेंक दिया। अगर हमारे प्रशासन मौके पर नहीं पहुँचती तो हमारे माल को तो जबरदस्त चोरी होती, यहाँ पे इतनी चोरी हो जाती कि उसकी गवाह देना मेरे को भी जेल जाना पड़ता, क्योंकि हमारा भी कोई सुनवाई नहीं रहता। क्या मानते हैं आप पे भी हमला कर सकते थे उनके पास? हाँ, हमला कर सकते हैं, चाकू भी बरामद हुई है, चाकू भी लिया है उसने, और चाकू से तो मतलब हमारे पुलिस ने इतनी उससे इतनी एक्शन ली कि उसने कहा ना आ गया कंट्रोल में, नहीं तो पुलिस के ऊपर भी चाकू चला सकता था उसने, उसने भागने की कोशिश किया। अच्छा क्या कौन सी कंपनी से माल जा रहा था और क्या सामान था इसके अंदर? मोबाइल आ रहा है अमित झा यार, क्या पूछ रहे? आपका नाम है निवासी? मेरा नाम है अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार जी आपका मोबाइल नंबर बताइए। मामले का खुलासा किया है, कौन से थाना क्षेत्र का ये मामला और क्या पुलिस को सफलता मिली? ये विगत दिवस जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो है कुछ मेंबर्स लोग एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने अवगत कराया था कि पूरा जो इंदौर नागपुर हाईवे और जो एबी रोड वाला जो ग्वालियर हाईवे है, इस तरफ कुछ कंजर गिरोह सक्रिय होके उनके जो ट्रकों में कटिंग की घटनाएं करने का प्रयास कर रहे हैं, घटनाएं की हैं। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तभी से पूरे ज़िले में सभी चौकी प्रभारी और थानावादियों को निर्देशित दिया गया था और अतिरिक्त गश्त की व्यवस्था करवाई गई थी और अतिरिक्त वाहनों से पुलिस के द्वारा रात्रि में जो है पेट्रोलिंग की जा रही थी। इसी में विगत रात्रि में है बीएनपी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जब उन्होंने रंगे हाथों एक ट्रक में जो है ट्रक कटिंग की घटना को वारदात देते हुए अंजाम देते हुए चोर को पकड़ा है, जिसका नाम रवि पिता सत्यनारायण कंजर है और यह टोंकला का रहने वाला है। पुलिस ने इसको जो है अपने गश्त के दौरान एक पीछे मोटरसाइकिल पीछे पीछे चल रही थी ट्रक के और एक व्यक्ति इनको ऊपर दिखाई दिया, पुलिस ने जैसे इसको घेराबंदी करी तो वो मोटरसाइकिल वाला तो अंधेरा का लाभ लेके आगे निकल गया, लेकिन पुलिस ने उस ट्रक को रुकवा के उसकी घेराबंदी करके जो है उक्त आरोपी को पकड़ा है। इससे अभी और पूछताछ की जा रही है, इसके अन्य साथियों के नाम पता पूछताछ किए जा रहे हैं। यह ट्रक जो था यह सूरत से काठमांडू के लिए चला था तथा इसमें धागे के थ्रेड्स भरे हुए थे, जो पुलिस के द्वारा रंगे हाथों इस प्रकार से एक
आरोपी को पकड़ा गया है। इसके ऊपर पूर्व से 8-9 अपराध दर्ज हैं, जिसमें पुलिस के ऊपर हमला करने और जान से मारने की नियत से हमला करने के भी अपराध दर्ज हैं, और अलग अलग थाना जिला उज्जैन, इंदौर और देवास तथा अन्य जिलों में इसके ऊपर अन्य अपराध दर्ज हैं। अभी इससे पूछताछ की जा रही है। ट्रक कटिंग की वारदात को किस तरह अंजाम देते थे और कितने लोग एक गिरोह में रहते थे? जनरली इन लोगों का एक पैटर्न रहता है कि 3-4 की संख्या में रहते हैं, और चलती गाड़ी से जो है एक गाड़ी पे जो है 2 या 3 लोग रहते हैं, उसमें से चलती गाड़ी पर उसमें से एक व्यक्ति चढ़ जाता है, बाकी साथी उसके पीछे रहते हैं, ऊपर से वो सामान त्रिपाल काट के नीचे फेंक देता है। कितनी देर रात सामान है और किस रोड की घटना है?